प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। और पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते होंगे, सुना होगा आपने ये फ्रेज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये कुल मिला के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जितने भी शब्द आप बोलते हो, लिखते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आते हैं। और प्रत्येक कैटेगरी में जो नाउन है, नाउन का अलग फंक्शन होता है, प्रोनाउन का अलग फंक्शन होता है, उनकी अलग पहचान है, एडजेक्टिव का, वर्ब का, प्रपोजिशन का, इनका सबका फंक्शन अलग अलग होता है और इनकी अपनी अलग पहचान होती है। तो आज इस चैप्टर में हम सिर्फ नाउन को एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नाउन के लिए। नाउन की डेफिनेशन जान लेते हैं पहले। वो नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ ए थिंग, अ पर्सन, ए प्लेस, एन आइडिया इज कॉल्ड ए नाउन। किसी वस्तु का नाम, पर्सन व्यक्ति का नाम, प्लेस जगह का नाम, स्थान का नाम, कोई एन आइडिया, कोई विचार आपके दिमाग में हो तो उन सभी को नाउन्स कहा जाता है। और सिंपलेस्ट डेफिनेशन नाउन की है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो नाउन के टाइप्स जब हम करेंगे तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि थिंग कैसे नाउन होती है, पर्सन कैसे नाउन होता है, प्लेस कैसे नाउन होता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ बुक्स में आप पढ़ सकते हो, मटेरियल नाउन भी होता है, काउंटेबल नाउन भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं, तो वो अलग इन्हीं में से बनती हैं। कॉमन नाउन में ही मटेरियल नाउन आ जाते हैं। तो हम सिर्फ 4 कैटेगरी में नाउन को लेके चलते हैं। लेट्स डिस्कस ईच टाइप ऑफ द नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं बच्चों। नेम ऑफ ए पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन एंड ए प्लेस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी संस्था का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, जो पर्टिकुलर नाम दिए गए होते हैं वो सारे नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं। अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन की खासियत ये होती है, विशेष बात इसमें, कि जब भी इसको लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर से लिख करते हैं लिखना। जैसे मोहन, नेम ऑफ पर्सन्स में हम मोहन को ले लेते हैं, एम कैपिटल लिखा जाएगा, सोहन एस कैपिटल, रीटा का आर कैपिटल होगा। नेम्स ऑफ प्लेसेस में दिल्ली डी कैपिटल, कैलकटा, अंबाला, ये जगहों के नाम होगी। तो शहरों के नाम आगे गाँव के नाम भी इसमें आ सकते हैं। आपके अपने गाँव का नाम भी प्रॉपर नाउन में आएगा, और शहरों के नाम बड़ा हो, छोटा हो, छोटा शहर हो, कुछ सभी प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस कोई भी, किसी कॉलेज का नाम आप ले सकते हैं, किसी स्कूल का नाम ले सकते हैं, तो डीएवी कॉलेज हो सकता है, कोई स्कूल डीएवी स्कूल भी हो सकता है, या फिर आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। तो ये नेम ऑफ स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, ये सारे, यूनिवर्सिटी का नाम भी इवन प्रॉपर नाउन में आते हैं। और इसके अलावा कलर्स के नाम सब प्रॉपर में आएंगे। जितने नेम्स ऑफ कलर्स हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, और दिनों के नाम मंडे से लेके संडे तक के, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ये सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं। नेम्स ऑफ मंथ्स, ये भी प्रॉपर नाउन है, तो जनवरी, फरवरी वगैरह वगैरह। और अब जैसे मोहन है, आप ये कहोगे कि मोहन तो कहीं हो सकते हैं, और भी मोहन हैं, बट आप ये जान लीजिए कि मोहन नाम लगता है आपको आम नाम है, तो कॉमन नाउन में क्यों नहीं आता है? क्योंकि व्यक्ति विशेष का नाम है। डीएनए सबका डिफरेंट होता है, हर व्यक्ति अलग होता है, भले ही उसका नाम एक जैसा हो, उनके बिल्कुल नेचर अलग होती है, उनकी जो डीएनए जिसे कहते हैं वो अलग होता है। ऐसी स्कूल का नाम हो जैसे जनता है, या कोई और नाम हो, तो आप ये कह सकते हो कि और भी तो स्कूल इस नाम से हो सकते हैं, परंतु वो डिफरेंट होंगे,
क्योंकि एफिलिएशन नंबर उनके पर्टिकुलर्स वो सब डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं ये चीज़ें। अब आते हैं कॉमन नाउन पे। अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू इंक्लूड द पर्सन्स और द थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। एक जैसी जो वस्तुएं होती हैं, चीजें होती हैं, उनके नाम जो होते हैं वो कॉमन नाम उसको दिया जाता है। कॉमन नाउन्स में तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी, जो भी आप आसपास देखते हो सब कॉमन नाउन में। आप अपने कमरे में, रूम में क्या देख रहे हो, टेबल हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, अपने घर में आप बेड देखते हो, कर्टन्स देखते हो, टेलीविज़न देखते हो, और कुछ भी आप आसपास देख रहे हो, दोज आर कॉमन नाउन्स, राइट। तो कार, ट्रक, टेबल, ट्री, हॉस्पिटल, टेम्पल, स्कूल, मैन, डॉग वगैरह वगैरह, दीज आर ऑल कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन्स थर्ड टाइप है। द वर्ड्स विच आर यूज टू डिनोट आर रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। समूहवादी जो शब्द समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्शन को शो करते हैं, वो सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। जैसे आपकी क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो समूह है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, दैट इज कलेक्टिव नाउन। आर्मी है, आर्मी में सोल्जर्स होते हैं। क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, भीड़ में लोग होते हैं। फ्लॉक पक्षियों का ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे फ्लॉक कहते हैं। शिप जो समुद्री जहाज है उसके समूह को फ्लीट कहते हैं। तो इसमें कलेक्टिव नाउन्स में मैं आपको लिस्ट काफ़ी बड़ी दूंगा, तो ये लर्न करने की भी हैं, आप इन्हें लर्न भी कर सकते हैं। तो फटाफट मैं पढ़ देता हूँ। आर्मी इज ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर। क्राउड और मॉब इज ए कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। अंतर क्राउड, क्राउड और मॉब में यही होता है, मॉब की मेंटेलिटी वायलेंट होती है, क्राउड जरूरी नहीं है कि वो वायलेंट हो। फ्लॉक इज अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, स्पेशली ऑफ शीप और बर्ड्स। आमतौर पे फ्लॉक पशुओं का समूह होता है, झुंड, और पक्षियों के झुंड को भी, समूह को भी आप फ्लॉक कह सकते हैं। फ्लीट इज कलेक्शन ऑफ शिप्स, समुद्री जहाजों के कलेक्शन को फ्लीट कहते हैं। अ नंबर ऑफ आर्टिस्ट, डांसर्स, एक्रोबैट्स, जितने ये कलाकार दूसरे डांसर्स टाइप होते हैं, जो तमाशा वगैरह कर रहे होते हैं, सांग वगैरह के, इन्हें ट्रूप बोलते हैं, TROUPE। कलाकार जो भी जाते हैं ऑर्केस्ट्रा वाले, ये सारे ट्रूप में आते हैं, TROUPE। और दूसरा ट्रूप TROUPE, ये सोल्जर्स का ट्रूप होता है, सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी जैसे कह देते हैं, तो ट्रूप भी होता है, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, राइट। अ नंबर ऑफ बीज, मधुमक्खियों के झुंड को, समूह को आप स्वाम कहते हैं, स्वाम लर्न कर लेना। कलेक्शन ऑफ बुक्स को लाइब्रेरी कहोगे। अ नंबर ऑफ कैटल या स्वाइन जो होते हैं, स्वाइन कैटेगरी में पिग आते हैं, हॉग आते हैं, बोर आते हैं, ये वगैरह वगैरह, ये इनके समूह को हर्ड बोलते हैं, हर्ड ऑफ कैटल। ए नंबर ऑफ चिकन हैच्ड एट द सेम टाइम, ब्रूड, जब अंडों को हैचरी में रखते हैं तो उसको ब्रूड बोलते हैं। ए नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स को बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। ए नंबर ऑफ ड्रॉर्स, चेस्ट बोलते हैं, जिसमें कई ड्रॉर्स होते हैं, टेबल में भी ड्रॉर आपने देखा होगा, उसे खींच के निकालते हैं, फाइल्स वगैरह रखते हैं, तो टोटल जैसे अलमीरा है उसे चेस्ट कह सकते हैं, जिसमें कई ड्रॉर होते हैं। कलेक्शन ऑफ फिश, फिश क्या होती है, मछलियाँ, मछलियाँ के समूह को सोल कहते हैं, या स्कूल भी कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश या सोल ऑफ फिश, SHOAL। कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को बंच या बुके, बुके के स्पेलिंग लर्न कर लेना, BOUQUET। अ नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, जो फलदार वृक्ष होते हैं उसके समूह को क्या कहेंगे, ऑर्चर्ड, बगीचा। नंबर ऑफ गीज, जो गीज होती हैं, बतखें होते हैं, उन्हें गैगल कहते हैं, उसके समूह को। और कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स, बनानास, कीज, चाबियों का गुच्छा, बनाना जो केले होते हैं उनके गुच्छे को, या अंगूरों के गुच्छे को बंच कहते हैं, बंच मैंने गुच्छा। अ नंबर ऑफ जजेस, जो जजेस का ग्रुप होता है उसे बेंच कहते हैं, एक बेंच में चार पांच जजेस भी होते हैं, तीन भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल एट ए रिलीजियस मीटिंग, कोई धार्मिक मीटिंग चल रही हो तो उसमें जो समूह होता है लोगों का, उसे कॉन्ग्रेगेशन कहते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू ए म्यूजिकल शो और कॉन्सर्ट, कोई कॉन्सर्ट चल रहा हो, म्यूजिकल शो होता है, उसमें ऑडियंस होते हैं, लोग दर्शक जो होते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग ए मैच, मैच को देखने वाले जो दर्शक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर्स। अ नंबर ऑफ पीपल कलेक्टेड
और गैदर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। लोग बिना किसी मकसद के जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे क्या कहोगे, क्राउड मीन्स भीड़। ए नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर सम कॉमन पर्पस, कुछ लोग जो एकत्रित हो जाते हैं जिनका पर्पस, जो उद्देश्य होता है कॉमन है, साझा उद्देश्य है, उसे असेंबली कह सकते हैं, असेंबली। ए नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर सम डिस्ट्रक्टिव पर्पस, लोगों का समूह जो डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, तोड़फोड़ करने के लिए, हिंसा आगजनी करने के लिए, उसे मॉब कहते हैं। क्राउड और मॉब में यही फर्क होता है, जो आगजनी पे उतारू होते हैं, हिंसक हो जाते हैं, जो जिनका पर्पस ही तोड़फोड़ होता है, उसे मॉब कहते हैं। ए नंबर ऑफ सैवेज पीपल, सैवेज कौन होते हैं, असभ्य लोग होते हैं, जैसे आदि मानव था तो उसे होर्ड बोलते हैं, उस समूह को। ए नंबर ऑफ पिग्स पपीज, पिग्स के समूह को, पपीज के समूह को लिटर कहेंगे। ए नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑक्सन और हॉर्सेस योक टुगेदर, ऑक्सन बैल होते हैं, घोड़ों को जब इकट्ठे आप चलाते हो, या फिर प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स को टीम कहते हैं, ऑक्सन और हॉर्सेस इनको भी टीम बोलते हैं, टीम ऑफ ऑक्सन कहेंगे, टीम ऑफ हॉर्सेस कहेंगे। अ सेट ऑफ रूम्स, सेट ऑफ रूम जिसमें दो कमरे तीन कमरे होते हैं, होटल्स में बुकिंग करवाते हैं परिवार जाते हैं जब टूरिस्ट बन के, तो उसे स्पेलिंग तो SUITE है, इसे सूट नहीं कहेंगे, इसे स्वीट कहेंगे, स्वीट, स्वीट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। ए नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स के समूह को क्रू कहते हैं। अ नंबर ऑफ शीप, भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहते हैं। नंबर ऑफ शिप्स कार्स, इन्हें फ्लीट कहेंगे, कारों का समूह आ रहा हो, जहाज़ों का, समुद्री जहाज़ों का, ये भी फ्लीट होता है। नंबर ऑफ सोल्जर्स आर्मी ट्रूप हो चुका है, बटालियन या रेजिमेंट भी कहते हैं। नंबर ऑफ स्टार्स, सितारों के समूह को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कलेक्शन ऑफ स्टिक्स को बंडल कहेंगे। नंबर ऑफ थीव्स, चोरों के समूह को पैक कहेंगे, पैक ऑफ थीव्स। नंबर ऑफ ट्रीज क्लम्प कहते हैं, वृक्षों के झुंड को क्लम्प कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ वुड हे पाइल टुगेदर, लकड़ी का जब चट्ठा लगाते हैं वो पूरा एक ढेर लगाते हैं, या फिर सूखा घास होता है उसका भी ढेर लगाते हैं, उसे स्टैक कहेंगे, STACK। तो प्यारे बच्चों, ये कलेक्टिव नाउन्स मैंने आपकी नॉलेज के लिए एक पूरी लिस्ट दे दी है, इनको लर्न करना है। अब हम आखिरी टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको पहले डिफाइन करेंगे फिर एग्जाम्पल दूंगा। इट्स द नेम गिवन टू ए क्वालिटी, एन आइडिया और ए थॉट, एन एक्शन एंड इट्स स्टेट और कंडीशन। ये एक क्वालिटी होती है, आइडिया विचार भी हो सकता है, एक्शन हो सकता है जो दिखता ना हो, महसूस किया जा सकता हो, कोई स्थिति कंडीशन माइंड की स्थिति होती है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जैसे उदास है, खुश है, हैप्पी है, हैप्पीनेस होगी, सैडनेस होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी, ये दीज आर स्टेट ऑफ माइंड। सिंपैथी सहानुभूति है, काइंडनेस दया है, ट्रूथ सच्चाई, विजडम बुद्धिमत्ता, स्माइल मुस्कुराहट, थेफ्ट चोरी, चोरी एक्शन है जबकि दिखता नहीं है, अटैक, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड बाई एडजेक्टिव्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आप एडजेक्टिव से बना सकते हो, वर्ब से बना सकते हैं, एंड ऑल्सो फ्रॉम नाउन्स, नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, जैसे कि काइंड, ये एडजेक्टिव हुआ तो इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बना, काइंडनेस। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ऑनेस्टी। ओबे वर्ब है, ओबे करना, आज्ञा का पालन करना, इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बना, ओबीडियंस। और ग्रो भी वर्ब है, ग्रोथ बना। चाइल्ड बच्चा नाउन है खुद, चाइल्डहुड बचपन। मदर मदरहुड बना। तो ये एक पहला वीडियो हुआ, इस पर कुछ और वीडियोस भी बनेंगे। ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में नाउन्स के बारे में कुछ और आपको जानकारी दूंगा।